ना किसी के पास बजट नहीं है और कोई ये काम चालू करना चाहता है, तो आपसे कैसे जुड़ सकता है? सर जुड़ने का बस एक कारण है, वो फ्रेंचाइजी हमारा ले सकता है। अगरबत्ती है, अगर किसी को चाहिए तो 40 केजी का एक बैग बनता है, कम से कम वो 40 40 केजी का वो मंगा सकता है, अपने यहाँ ले जाकर के वो सेंड करके मार्केट में सेल कर सकता है। जबरदस्त इसकी महक आ रही है। ये इनका ब्रांड है हैप्पी अगरबत्ती के नाम से, बहुत ही मतलब अच्छा इन्होंने लुक दिया है, बहुत अच्छी ब्रांडिंग की है। ये मेरे ख्याल से 5 रुपए का 10 रुपए का, हाँ, इसको भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, वो अपना चालू करना चाहें तो जिसमें आपसे रॉ मटेरियल लेके वो पैकेजिंग अपनी कहीं करवा लें, क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर? आराम से मिल जाएगा। अच्छा जी जी आप हमसे जुड़ के काम करना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये आपको फर्स्ट में लगाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर अगरबत्ती उद्योग के बारे में बताइए, अगरबत्ती उद्योग अगर हम चालू करना चाहते हैं अपना, अगर अगरबत्ती उद्योग लगाना चाहते हैं या कहीं से अगरबत्ती उद्योग का लगा हुआ है जिनकी हम फ्रेंचाइजी लेके काम कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आज उसी की तलाश में हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में। जौनपुर का एक ये मछली शहर एक है, वहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पे हैप्पी ब्रांड की अगरबत्ती है जिसके बारे में आपको दिखाएंगे कैसे आप यहाँ पे जुड़ के अपना रोजगार चालू कर सकते हैं, इनकी एजेंसी ले सकते हैं, या अगर आप अगरबत्ती लगाना चाहते हैं, अगरबत्ती उद्योग के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आज हम पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को पूरी जानकारी के लिए पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको ले चलते हैं हैप्पी अगरबत्ती के चेयरमैन के पास और आपको मिलाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से उनके उनसे जुड़ के आप उनकी एजेंसी ले सकते हैं, उनसे जुड़ के आप जो है अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो आपको मिलाते हैं दोस्तों हैप्पी अगरबत्ती के चेयरमैन मनोज पटेल जी से और संतोष पटेल जी से। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तो सर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं और आपके छोटे भाई साहब क्या करते हैं? सर। मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करता हूँ, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। ये हमारे छोटे भाई हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये अच्छा यहाँ पूरा प्रोसेसिंग बनाने से लेकर के हर चीज़ पैकिंग उकिंग तक इन्हीं का काम है, अच्छा सर, मैन्युफैक्चरिंग से तो रिलेटेड। संतोष जी आप यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग देखते जी हैं, जी जी तो मतलब इसमें जो भी आप ये मतलब किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से करते हैं? यहाँ पहले तो हम 8 घंटा एकदम ड्यूटी निभाते हैं, अच्छा मालिक की तरह काम दोस्तों नहीं करते बहुत हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि मालिक की तरह काम नहीं करते हैं, अपना ड्यूटी निभाते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, जब इंसान अपना खुद का सोचता है अरे यार अपना बिजनेस है, आराम करो काम करो, तो उसमें काम डगमगा जाता है। बहुत ही आपकी सर ये सोच बहुत अच्छी है, इसको तो जी सैल्यूट करते हैं हम। जी अच्छा फिर उसके बाद? उसके बाद बड़े भाई साहब हैं, हाँ इन्हीं की देख रेख में सब कुछ है, ये अच्छा, जैसा कहते हैं हम वैसा करते तो हैं। ये मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग का जो पूरा सीन है वो आप ही हैंडल करते हैं, हाँ हम ही, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग आप ही हाँ देखते जी हैं? जी जी अच्छा मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग सर करते हैं। सर का भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, अगर सर का नंबर नहीं मिलता तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स चाहिए सर आपको भेज सकते हैं। जी तो ये आप बताइए सर, ये आपने अगरबत्ती उद्योग कब चालू किया? सर तकरीबन ये 2 साल हो गया हमें, अच्छा 2 साल हो दो गया साल है, हो गया 2 साल में कैसा रिस्पॉन्स मार्केट से आ रहा है? सर। अब लॉकडाउन में थोड़ा तो दिक्कत हो गया था, लेकिन इस समय अच्छा रिस्पॉन्स है। लॉकडाउन की समस्या दोस्तों बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस समय रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। हम ये जानना चाहते हैं, जैसे अगर ये कोई अपना सेटअप लगाना चाहता है, ये अपना अगरबत्ती उद्योग, अगर हम आपको दिखाएं तो इनके पास पूरा ये दो मशीनें लगी हुई हैं, ड्रायर लगा हुआ है, इसके बाद इधर रॉ मटेरियल लगा हुआ है, पूरा मतलब एक सेटअप इन्होंने तैयार किया हुआ है, और इस सेटअप को लगाने में अगर कोई खुद का लगाना चाहता है तो उसको कितनी लागत आ जाती है? वैसे तो सब सब लोग ये कहते हैं 1,50,000 में हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस बिजनेस में आना है कम से कम 8 से 10 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके पूरा सेटअप बैठेगा। अच्छा 8 से 10 लाख की, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है कि हम आप जानते होंगे कि हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं कोशिश करते हैं कि जो ज़मीनी स्तर की सच्चाई है उस चीज़ को आपको बताने की कोशिश करें। लोग मशीन बेचने के लिए कहते हैं 50 हज़ार में शुरू कर लीजिए, 40 हज़ार में शुरू कर लीजिए, 1 लाख में शुरू कर लीजिए, लेकिन भाई साहब यहाँ पे खुद काम कर रहे हैं, ये जौनपुर का मछली शहर पड़ता है, मछली शहर में इनकी खुद का फैक्ट्री है और ये खुद काम कर रहे हैं, तो इनको बेटर नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू हमारे और आपके। तो इनका लगभग 7 8 लाख रुपये, अगर सर बात की जाए 7 8 लाख रुपये जैसे आप बता रहे हैं, तो किस चीज़ में इतना लागत लग जाता है? सर पहले तो मशीन लेना पड़ेगा जी अगरबत्ती बनाने के लिए। अच्छा, तो ये जो आपने मशीन लगाई है ऑटोमेटिक मशीन है, जी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन फुली है। जी ऑटोमेटिक जी मशीन, जी मतलब एक तरफ से अगर माल डालते हैं दूसरी तरफ से इधर से निकलता जी है? जी 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 अच्छा, तो एक इसकी तरफ बम्बू स्टिक लगा देंगे और इस हॉपर में प्रीमिक्स पाउडर मिला करके मिक्सचर करके डाल देंगे। इसके बाद
उधर से तेली आएगा ऑटोमेटिक बनते चला जाएगा अच्छा, तो जी। इस मशीन की कॉस्टिंग क्या आती होगी? सर इसमें एकदम सस्ता कर लेंगे मेड इन इंडिया वाला, वो 60-65 हज़ार के आ जाता है। अच्छा और एक वियतनाम का आता है हाँ, उसका 80-85 हज़ार, 1.5 लाख तक है अच्छा इसमें अच्छा तो उसे। मतलब जो नॉर्मल वाली है ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ करना नहीं है। एक तरफ से आपने बम्बो स्टिक लगा दिया, अगर हम आपको पास से दिखाएं तो एक तरफ से बम्बो स्टिक लगा दिया, और यहाँ पे हॉपर में मेरे ख्याल से माल डाल दिया जाता है। इसमें माल डाल देते हैं और यहाँ से तैयार होते हुए यहाँ से अगरबत्ती निकल के, अभी ये देखिए बिल्कुल नया प्रोडक्शन है ये, अगर ये अभी गीली है, थोड़ी सी सूखी नहीं है, सुखाने के लिए इसको ड्रायर में इस्तेमाल किया जाता है। उधर ड्रायर लगा हुआ है जहाँ पे अगरबत्ती, अभी हम उसको पास से भी आपको दिखाएंगे। तो ये अगरबत्ती लगाने का आपका जो मेन आपके कहना है कि लगभग 7 से 8 लाख रुपए के आसपास लागत लग जी जाती जी है। जी जी अच्छा, तो एक चीज़ जो बहुत मतलब ज़्यादा वो रहता है कि इसका रॉ मटेरियल और ये सब कहाँ से लाते हैं? जैसे लोग लगाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कलकत्ता है तो दिल्ली है, तो कहाँ मतलब रॉ मटेरियल का अगर जी हिसाब? सर जो मेरा रॉ मटेरियल आता है कुछ तो कानपुर से आता है, अच्छा कुछ गुजरात से आता है। अच्छा मतलब अलग अलग जगह से आप जी रॉ जी मटेरियल जी मंगाते हैं। कम से दोस्तों कम करना भी जी। यही चाहिए कि रॉ मटेरियल अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि दो चार जगह से आप मंगाइए। उससे होता क्या है कि एक जगह के आप भरोसे रहेंगे तो रेट में कुछ डिफरेंस हो जाता है, और दो चार जगह से आपका मटेरियल आएगा तो उसमें रेट में और क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाता है। अच्छा, तो मनोज जी ये बताइए कि जैसे आपने ये हैप्पी अगरबत्ती अपना, हम देख रहे हैं जैसे इनका ये ब्रांड है बहुत ही, एक तो यहाँ इतनी खुशबू आ रही है दोस्तों हम आपको बताएं कि मतलब हमें लग रहा है कि 2-4 दिन तक हमारे नाक में ये अगरबत्ती की खुशबू भरी रहेगी, इतना ज़बरदस्त इसकी महक आ रही है। ये इनका ब्रांड हैप्पी अगरबत्ती के नाम से, बहुत ही मतलब अच्छा इन्होंने लुक दिया है, बहुत अच्छी ब्रांडिंग की है। ये मेरे ख्याल से 5 रुपये का, 10 रुपये का, हाँ ये 5 रुपए का, अच्छा ये 5 रुपये की एमआरपी में है। 5 रुपए में हमारे पास 4 तरह के प्रोडक्ट हैं। अच्छा एक हैप्पी प्लस के नाम से है, और एक लेवेंडर है, जी, और एक ए मोगरा है, और हमारे अच्छा पास आपको मिल जाएगा एक गुलाब है। तो 5 रुपए एमआरपी 7 है, 5 रुपए की बिक्री है। तो इसमें हमें 4 तरह के आपको ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। दोस्तों ये 5 रुपए की एमआरपी में अगर सही बताएं तो आजकल 5 रुपए में तो वैसे अगरबत्ती नॉर्मल मिलती नहीं है, और जो ये इतना बढ़िया पैकेजिंग के साथ में दे रहे हैं, इतनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी, और इसकी महक तो वैसे ही इतनी आ रही है। इसमें कई सारे फ्लेवर हैं, मैं मोगरा इन्होंने बताया, लेवेंडर बताया, हैप्पी प्लस बताया, और कई सारे और गुलाब हैं। 10 रुपए में एक दर्शन के नाम से हमारा, अच्छा, इसमें हैप्पी प्लस का लोगो लगा हुआ है और नाम हमने दर्शन रखा हुआ है, दर्शन अगरबत्ती। और हमारे पास है हैप्पी प्लस के नाम से, ये मेरा पहला प्रोडक्ट था। अच्छा अभी समय जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक एक प्रोडक्ट ये था, और एक प्रोडक्ट ये था, 5 रुपए में और एक 10 रुपए में। तो इस समय मेरे पास कम से कम 18 तरह के प्रोडक्ट हो चुके हैं। पहले हमने 2 प्रोडक्ट से चालू किया था, इस समय 18 तरीके के प्रोडक्ट दोस्तों, 18 तरीके का प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपका इस फील्ड में हैं, किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इस फील्ड में जितने 10 से 12 प्रोडक्ट आते हैं सर के पास, 18 प्रोडक्ट हैं, 18 टाइप की अगरबत्तियां हैं, इतना मतलब आपने मतलब कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको कि 18 तरीके की प्रोडक्ट आप निकाल दें? सर। पहले तो हम जब मार्केट में गए तो पता चला कि ये वाली हमारे यहाँ नहीं चलती, ये चलती है। जी तो ऐसे ऐसे हमने रिसर्च किया 1 महीने 2 महीने, तब मुझे पता चला कि यार अब ये चीज़ करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा हमें वैरायटी चेंज करना चाहिए। जब हम वैरायटी बढ़ाएंगे तब जाके कस्टमर हम हमसे जुड़ेंगे। किसी को 5 वाला चाहिए तो किसी को 10 वाला चाहिए, किसी को 10 वाले में गुलाब चाहिए, किसी को 10 वाले में मोगरा चाहिए, इसलिए हमने वैरायटी उसमें बढ़ा बिल्कुल दी है। बिल्कुल सही बात कही सर ने कि देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कुछ लोग नया अपना कारोबार शुरू करते हैं अगरबत्ती उद्योग या कोई भी ऐसा उद्योग चालू करते हैं, उसमें प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि फ्लेवर नहीं होते हैं उनके पास, नंबर ऑफ वेराइटीज़ नहीं है। आपके पास आपने गुलाब चालू किया और दो चार और आइटम चालू किया, दुकान पे लेके गए, दुकानदार ने कहा नहीं भैया ये तो बिकता ही नहीं है, मोगरा लेके आइए, चंदन लेके आइए, या कई तरीके। यहाँ पे आपको ये सुविधा मिलेगी कि 18 तरीके की अगरबत्ती है, 18 तरीके के फ्लेवर हैं, अगर आप कोई भी मार्केट में लेके जाते हैं तो दुकानदार इस वजह से कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा कि आपके पास ये आइटम नहीं है, इस तरीके का यहाँ पे बिकता है, ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक ये पैकिंग आपकी बहुत शानदार लग रही है जो हम आपको दोस्तों दिखाना चाहेंगे, बहुत ही लाजवाब पैकिंग है, और ये मेरे ख्याल से 3 फ्लेवर में है, गुलाब जी है, और ये अगरबत्ती प्लस चंदन में है मेरे ख्याल से, और मोगरा है।
ये अगर आप पास से दिखाइए कि बहुत ही खूबसूरत देखिए एक पैकिंग है और इतनी लाजवाब, मतलब हमें तो देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतना जबरदस्त। इसमें मेरे ख्याल से आपने काफी पैसा भी खर्च कर हाँ दिया है ब्रांड बनाने में। ये क्या है, मतलब ये बड़े रेंज में है, किस रेंज में जी, है? वे बड़े रेंज में है। ए 170 ग्राम में है, अच्छा एक ए मोगरा है और 170 ग्राम में गुलाब है, और मेरा एक हैप्पी प्लस के नाम से है, ये 200 ग्राम में है। अच्छा बहुत तगड़ी खुशबू इसमें है, अगर दो तीली अगर जला दिया जाए तो पूरा एकदम घर गमगमाने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद एक हम इनकी जो अगरबत्ती है उसका एक प्रॉपर रिव्यू करेंगे, देखेंगे। अभी क्योंकि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इतना सेंटेड है कि महक समझ में नहीं आ रही कि कौन सी अगरबत्ती क्या है। एक इसके बाद रिव्यू वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो एक्चुअल है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यहाँ पे जो महक आ रही है वो मार्केट में जितने भी अगरबत्ती आपके मिलते हैं उससे बहुत अच्छी हमें लग रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रही है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जैसे आप किसी के पास मान लीजिए इतना बजट नहीं है, जैसे आपने 7 लाख 8 लाख बताया, दो दो मशीनें लगाई, रॉ मटेरियल लाए, आपने ड्रायर लेके आए, और भी कई सारे आइटम हैं, इतना किसी के पास बजट नहीं है और कोई ये काम चालू करना चाहता है तो आपसे कैसे जुड़ सकता है? सर, जुड़ने का बस एक कारण है, वो फ्रेंचाइजी हमारा ले सकता है अच्छा जी। तो वो फ्रेंचाइजी मान लीजिए अगर हम हैं, मान लीजिए सबको छोड़ दिए, हम खुद हैं, हमारे पास सर उतनी लागत नहीं है, अभी उतना पैसा नहीं है, तो मिनिमम हम कितने से आपसे जुड़ के ये काम शुरू कर सकते हैं ताकि अगर हमारा भी रोजगार चलता रहे और आपको भी कोई दिक्कत ना हो? जी, अगर आप हमसे जुड़ के काम करना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये आपको फर्स्ट में लगाना पड़ेगा। या तो 5 हज़ार का ले लीजिए माल, या तो 10 हज़ार का ले लीजिए। मतलब नॉर्मल मिनिमम 5 हज़ार में भी अगर आदमी लेना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, तो आपसे सामान ले सकता जी है। जी जी अच्छा तो ये आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, मतलब अगर कोई आपसे बाहर का आदमी है, हम लखनऊ के हैं या कोई जी बनारस का है या जौनपुर का है, तो किस तरीके से आपसे ले सकता है? कहीं से भी अगर वो चाहता है तो मैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू भिजवा सकता हूँ। अच्छा ट्रांसपोर्ट का, दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है आपका माल पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या मतलब एक्स्ट्रा रहेंगे या इंक्लूडिंग रहेगा? अगर ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेते हैं जी तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा मैं वहन कर सकता हूँ, अगर कम में लेते हैं तो नहीं। अच्छा, तो दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कम क्वांटिटी मिलेंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे आके भाई साहब से मिलना चाहते हैं, मनोज जी से मिल के आप ये देखना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। इनका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। समय का ध्यान रखिएगा, समय में बड़ी समस्या होती है, लोग वीडियो देखते हैं, अगर रात में देखें तो तुरंत उस समय फ़ोन कर देते हैं। 10 बजे से शाम को 7 बजे तक फ़ोन करिएगा, इन केस फ़ोन रिसीव नहीं होता है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतने काम रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ये आपको सारी डिटेल, सारी फोटो, सारे रेट लिस्ट आपको भेज देंगे। अच्छा रेट की बात करें सर, तो जाहिर सी बात है आप रेट यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना जी चाहेंगे, जी जी तो लेकिन फिर भी एक अंदाजा मार्जिन मिल जाता है आदमी को अगर काम शुरू कर। आराम से, आराम से पर डे का अगर वो काम करेगा तो 500 से 700 रुपये पर डे कमा सकता है हमसे जुड़ करके। अच्छा, ये देखो दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर पर डे का आप मेहनत कर रहे हैं, देखिए किसी भी काम को करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि हमें बैठे बिठाए 500 700 मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप ऑलरेडी मार्केट में हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट में ये अगरबत्ती, हैप्पी अगरबत्ती या इस टाइप में आप प्रोडक्ट जो है आप जुड़ के ऑलरेडी काम कर सकते हैं मार्केट में, अपना एक प्रोडक्ट लिस्ट बढ़ा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। रेट्स और मार्जिन जो है आप सर से डायरेक्ट फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, क्योंकि रेट्स यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि आगे मार्केट में आपको बेचने में समस्या ना आए। अच्छा एक चीज़ और बहुत अहम सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही अहम सवाल है और आपके लिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई अपने ब्रांड से करना चाह रहा है, ये तो फिलहाल आपका हैप्पी अगरबत्ती के नाम से है, ये हैप्पी का पूरा जी आपने जी जी ट्रेडमार्क करवाया मेरे ख्याल जी से, जी जी ये ट्रेडमार्क इनका के लिए ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड है। और एक चीज़ और बता दें, इनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि ये अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे भी इनकी सेल होती है, बहुत अच्छे से इनका डिमांड आता है और मार्केट में बहुत अच्छा सप्लाई हो रहा है। ये जो हम पूछ रहे थे कि अगर कोई ये अपना चालू करना चाहे अपने जी ब्रांड से, जी जी मान लीजिए हमारा है तो हमारा मसाले का काम है, इसके अलावा अगर हम अगरबत्ती का चालू करना चाह रहे हैं या कोई एक्स वाई जेड जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं जी जी वो अपना चालू करना चाहें, जी तो जिसमें आपसे रॉ मटेरियल लेके वो पैकेजिंग अपनी कहीं करवा लें, क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा आराम सकते से, हैं? आराम से मिल जाएगा अच्छा जी। मतलब अगर रॉ मटेरियल चाहें तो रॉ मटेरियल भी दोस्तों मिल जाएगा, और अगर आप ऐसे बने हुए स्टिक चाहते हैं, ये तो अभी थोड़ा सा इधर इधर जी इस तरीके से है, आधा आधा केजी का है। अच्छा इस तरीके का आधा आधा केजी का ये बना हुआ है, इसमें महक नहीं है मेरे ख्याल से, सेंटेड हाँ नहीं है, हाँ ये सेंट इसको ये बाद में रो किया। अगरबत्ती है, अगर किसी को चाहिए तो 40 केजी का एक बैग बनता है, कम से कम वो 40 40 केजी का वो मंगा सकता है, अपने यहाँ ले जा करके वो सेंड करके मार्केट में सेल कर सकता है। अच्छा तो सेंट करने का सर जो आपने बताया, सेंट करने का प्रोसीजर क्या है, मतलब किस तरीके से किया जाता है? सर इसको इसलिए आधा केजी का बनाया जाता है ताकि सेंड करने में इसे आसानी हो। आप ऐसे पकड़ लीजिए,
और इसको ऐसे डुबा दीजिए, फिर ऐसे निकाल के इसे रख दीजिए। ये जब सूख जाएगा 10 से 12 घंटे में, इसके बाद आप पाउच पैकिंग कर सकते हैं, अपना पैकिंग कर अच्छा सकते अच्छा हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे काम करना चाहते हैं जिसमें आपको मतलब ये चाह रहे हैं कि हम अपना खुद का ब्रांड लेना चाहें, तो सर से रॉ मटेरियल 40 किलो का बैग बनता है, ये पूरा 40 किलो का बैग ऐसे आपको मिलेगा आधा आधा केजी में, और आप इसको लेके अपने हिसाब से अपने सेंट में जो भी आप चाहें, चाहे गुलाब, चाहे मोगरा, चाहे चंदन, या जिस टाइप का भी आप करना चाहें उस टाइप का भी कर सकते हैं। ये हमें सर आपकी बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप जो है लोगों के लिए ये सिस्टम लेके आए हैं कि आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। जी जैसे जी लोग अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, मार्केट में उतारना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं है कि भाई वो पूरा मशीन लगाए, पूरा सेटअप लगाए। तो दोस्तों वैसे हम आपको हमेशा से बताते हैं एक बात कि आप जो है कोशिश ये करिए मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हटा दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में होता क्या है कि आपका शुरुआती लेवल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पूंजी लग जाती है। आप उस पूंजी को कलेक्ट करिए, उस पूंजी को मार्केट में लगाइए। आप इनका प्रोडक्ट है, जैसे सर का प्रोडक्ट है, इस टाइप के प्रोडक्ट लेके जुड़िए, उसको जुड़ने के बाद मार्केट में सप्लाई करिए। उसमें आपका एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपकी शुरुआती जो लागत है वो लागत बच जाएगी, इनको भी सपोर्ट मिल जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। और अगर वीडियोस हमारे जो नए ग्राहक हैं या जो भी हमारे कस्टमर जो कह सकते हैं दुकानदार हैं या होलसेलर हैं देख रहे हैं, तो सर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हमारा कोई भाई कोई बंदा आपस में आप ही के बीच में से उठ के जा रहा है मार्केट में, कुछ नया प्रोडक्ट ला रहा है, तो उनके सपोर्ट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करिए, ऐसे प्रोडक्ट को अपने दुकान पर रखिए। और हमारे जो कस्टमर हैं, जो कस्टमर भी देखिए हम ही लोग हैं, हम ही लोग इनके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो कोशिश ये करिए अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको एक बार इस्तेमाल करिए, ताकि इन्हें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और जो है मार्केट की स्थिति भी सुधरती रहे। ये आपने जैसे सर ने बताया कि ये सेंटेड करके इसको लगा सकते हैं, इसको अपने रॉ मटेरियल को अपने नाम से ब्रांड बना के पैक कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसको मतलब कोई ट्रेनिंग लेना हो या कुछ करना हो तो वो कैसे कर सकता है? तो सर, तो पहले तो ये कर सकता है, जो भी कोई वीडियो देखे तो जी यूट्यूब में जा करके हैप्पी अगरबत्ती उद्योग के नाम से हमारा चैनल है, अच्छा वो अच्छा सर्च कर सकता है। क्योंकि हम इसके पहले जो काम कर रहे थे, जो मतलब कहीं से डेटा कलेक्ट कर रहे थे, तो कोई हमें बताने वाला नहीं था। तो जब हम नया नया काम चालू किए तो काफ़ी हमें उतना नॉलेज नहीं था, तो धीरे धीरे यहाँ करके इम्प्लीमेंट करके सीखे। इसके बाद ये हमें इस थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, ये सर ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी नया काम चालू करता है तो उसको नॉलेज की बहुत समस्या होती है। क्या होता है कि हमने अगरबत्ती का चालू किया, मसाले का चालू किया, तो शुरुआती लेवल में बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि हम इसको कैसे तैयार करें, कहाँ से रॉ मटेरियल लाएं, क्या करें, कितना करें, ये बड़ी समस्या होती है। तो सर का एक हैप्पी अगरबत्ती के नाम से चैनल है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें पूरी अगरबत्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जैसे मशीन कैसे चलती है, रॉ मटेरियल कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रीमिक्स कैसे की जाती है, इसके अलावा इसमें कैसे सेंट किया जाता है, कैसे पैकिंग की जाती है, पूरी की पूरी डिटेल्ड जानकारी है, जिससे आपको नया काम शुरू करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और कोई समस्या होती है तो उसके लिए मनोज जी से आप संपर्क कर सकते हैं, इनके कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट इनसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। सर अपने चैनल का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। सर, मेरा जो चैनल का नाम है हैप्पी अगरबत्ती उद्योग के नाम से है। जी, जी हैप्पी अगरबत्ती उद्योग के नाम से इनका चैनल है, इनके चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगरबत्ती से रिलेटेड सारी वीडियोस और आसपास में और भी जो इनके पास ऐसी जानकारी मिलती रहती है वो वीडियोस डालते रहते हैं। ये हैप्पी अगरबत्ती उद्योग की ये जो पैकिंग आती है, इस पैकिंग में जो ये देखिए प्लास्टिक इन्होंने छपा है, इसके सिलेंडर बनवाने पड़ते हैं, सिलेंडर बनवाने के बाद अलग अलग कलर, 200 200 कुंटल माल छपवाना पड़ता है, सॉरी 2 2 क्विंटल माल छपवाना पड़ता है। तो ये देखिए इतनी ज़बरदस्त पैकिंग है, इस पैकिंग में अब क्या बताएं सर, हमें तो देखने लेने का मन कर रहा है। और ये देखिए ये ब्रांडिंग है इस तरीके से इसके। तो दोस्तों देखा आपने कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, और यहाँ से आप इनसे जुड़ के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं कम लागत में। तो सर आप हमारे दर्शकों को कुछ आखिरी में कहना चाहेंगे? इस वीडियो को मतलब देखें और सर जी का जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे से भी करवाएं, शेयर करें, लाइक करें। बस धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे आप ऐसे ही काम करते रहें, इतनी दूर से आप आए और जी यहाँ वीडियो बनाए, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जी आप उन्नत करते रहें। दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट से जो है काम आगे बढ़ेगा, आप लोग भी रोज़गार एक नया शुरू कर सकते हैं सर से जुड़ के। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार सर। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको आपने हमें समय दिया, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, भी बहुत बहुत और हमारे धन्यवाद। दर्शकों की तरफ से सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सियाराम।